गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से ऑनलाइन लोन कैसे प्राप्त करें उसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, ओके, और वहाँ पे आपको लोन का रिक्वायरमेंट है, ओके। तो फ्रेंड्स, जनरली आप ये ब्रांच विजिट करके वो लोन अवेल करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोविज़न है एसटीबी, यानी क्या, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, यानी आपको वहाँ के ब्रांच का विजिट नहीं करना है, वहाँ के ऑफिसर को आपका एप्लीकेशन नहीं देना है, सीधा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट का विजिट करना है और वहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका लोन वहाँ पे सेंक्शन हो जाएगा तो 5 मिनट के अंदर ही वो डिसबर्समेंट, यानी आपके अकाउंट में वो लोन अकाउंट का पैसा मिल जाएगा या लोन अकाउंट वहाँ पे आपका सीधा खुल जाएगा। तो आपको वहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन जो कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए वो फिल करनी है, ओके। तो वो फ्रेंड्स कैसे अवेल करते हैं एसटीपी लोन, जैसे कि ऑनलाइन लोन, उसको ऑनलाइन लोन भी बोल सकते हैं, वो कैसे अवेल करें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे, उसके बाद सर्च में टाइप करेंगे BOB, ओके, यानी आपको बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट ओपन करनी है। जैसे कि ये देखिए, ये रिज़ल्ट आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा की वेबसाइट का रिज़ल्ट ये आ गया, ओके। तो क्या करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका स्वागत है, यहाँ पे चूज़ करेंगे इंग्लिश, ओके, कोई आप हिंदी भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये एक वेबसाइट खुल गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो तीन बार है, तीन बार के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लोन्स है, लोन्स में चले जाएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे काफ़ी सारे लोन अवेलेबल है, होम लोन, व्हीकल लोन, पर अभी आपको जो ऑनलाइन यानी मुद्रा यानी एसटीपी लोन जो अप्लाई करना है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, यानी विदाउट विजिटिंग द बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच, ओके। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जन समर्थ पोर्टल है, ओके, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का एक अलग से पोर्टल है, तो ये जन समर्थ पोर्टल में चले जाएंगे, ओके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जन समर्थ पोर्टल है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ही वो पोर्टल है, ओके, तो उसमें आप वो जा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए काइंड अटेंशन फॉर एप्लीकेंट, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं जन समर्थ पोर्टल डज नॉट आस्क फॉर पेमेंट ऑफ एनी काइंड फ्रॉम इट्स एप्लीकेंट। तो फ्रेंड्स, ये जो जन समर्थ पोर्टल है, किसी के पास भी ये कोई पेमेंट नहीं मांगता, ओके। अगर आपको कोई फ़ोन करके बोले कि पहले पेमेंट दो, तो आपको वहाँ पर नहीं देना है। तो आपको क्या है, सिंपल ये जन समर्थ पोर्टल में जाना है और अप्लाई करना है, फिर वो आसानी से आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। उसके बाद जैसे कि ये पढ़ लिया, उसके बाद करेंगे उसको बंद कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो 15 जैसी स्कीम है, ओके, और 7 लोन कैटेगरी से, ओके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कैटेगरी है आपको नीचे में मिल जाएगी, जैसे कि नीचे आएंगे थोड़ा, उसमें देख सकते हैं ई किसान उपज निधि है, ओके, उसमें देखिए फर्स्ट स्कीम अवेलेबल है, ओके, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके, ये एग्री लोन किसान क्रेडिट कार्ड है, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी है, ओके, बिजनेस एक्टिविटी है, जैसे कि आपको बिजनेस मुद्रा लोन चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन, ओके, लोन्स फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेस और एक्सपांडिंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, ओके। तो यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी भी कर सकते हैं, ओके, और यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने देखते हैं, पर उससे पहले क्या करेंगे, जैसे कि ये इंग्लिश में है, तो अभी आपको ये आपकी लैंग्वेज में चाहे तो क्या करेंगे, यहाँ से इंग्लिश में से ये इसको हिंदी भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये हिंदी कर दिया, तो ये हिंदी में आ गया। अभी आप गुजरात से है तो गुजरात में चाहे तो गुजराती कर सकते हैं, तो ये गुजराती में भी आपको मिल जाएगा, ओके, और किसी भी लैंग्वेज में चाहिए तो यहाँ पे लैंग्वेज अवेलेबल है, वो वहाँ पे आप जा सकते हैं, जैसे कि मैं अभी इसको इंग्लिश करता हूँ। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये बिजनेस एक्टिविटी लोन है, उसमें अपने चेक अवेलेबिलिटी करते हैं, ओके, चेक एलिजिबिलिटी, ओके, उसमें देख सकते हैं बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम, ओके, लोन्स फॉर सेटिंग अप न्यू बिजनेस और एक्सपांडिंग एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस, ओके। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिए गए, लोन फॉर हैंडलूम वेवर, ओके, ये पढ़ लेंगे एक बार। उसके बाद देखिए यहाँ पे अदर बिजनेस लोन है, तो जैसे कि अदर बिजनेस लोन में चलेंगे, उसमें फिर यानी आपको इन्फॉर्मेशन देना है, यानी टिक करना है, सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यू आर डूइंग, ओके, जैसे कि न्यू करना है तो नया करेंगे, हैव यू पास क्लास 8, ओके, यस कर दिया, ओके, हैव यू अंडरगॉन EDP, ओके, यानी EDP यानी क्या, एंटरप्रेनरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके, यानी आपने ये ट्रेनिंग ली है EDP एंटरप्रेनरशिप वाला, नो है तो नहीं करेंगे,
सिलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, क्या ट्रेडिंग है, जो कोई वह है वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट योर जेंडर मेल, ओके, सिलेक्ट योर सोशल कैटेगरी, जो भी कोई कैटेगरी है वो चूज करेंगे, माइनॉरिटी तो माइनॉरिटी, ओके। उसमें वेदर लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, ओके, यानी आप ये वाले एरिया में रहते हैं तो यस है तो यस करेंगे। सिलेक्ट योर लोकेशन, अर्बन रूरल, जो कोई है वो कर्स करेंगे। सिलेक्ट टाइप ऑफ एप्लीकेंट, ओके, जैसे कि आप इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल है यानी आपका करंट अकाउंट है, ओके। उसके बाद एंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी कितना कॉस्ट लगेगा आपका जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि 5 लाख है तो 5 लाख कर दिया, ओके। उसके बाद एंटर द अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट फ्रॉम योर ओन सोर्स, यानी 5 लाख तो आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है, अभी आपकी जेब से कितना अप्लाई करेंगे यानी कितना डालेंगे, तो जैसे कि आप 1 लाख डालने वाले तो 1,001 लाख कर दिया, ओके। उसके बाद क्या करेंगे, चेक एलिजिबिलिटी करेंगे, ओके। यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कुछ मिस हो गया है तो यहाँ पे कर देते, आर यू एक्स सर्विस मैन, तो के नो, ओके। उसके बाद करेंगे कैलकुलेट एलिजिबिलिटी, ओके। उसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ओके, ये प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 4 लाख का लोन मिल जाएगा, ओके। सब्सिडी मिलेगा 1,75,000, मंथली ईएमआई आएगा 4,060, ओके। 15 इयर्स का आपका लोन टेन्योर रहता है। उसके बाद क्या करेंगे, लॉगिन टू अप्लाई, ओके, यहाँ पे सिंपल करेंगे लॉगिन टू अप्लाई, यहाँ पे रजिस्टर, यानी आपको जो कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जाए वो आपको फिल करनी है, और आपका अकाउंट नंबर है वो सब यहाँ पे मांगा जाएगा, वो जैसे ही आप डालेंगे, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है वहाँ पे, तो फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन यानी आपको वहाँ पे वो लोन अवेल हो जाएगा, यानी 5-10 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में वो लोन का अमाउंट भी आपको मिल जाएगा, और आपको ईएमआई जो कोई बना है वो आपको फिर रिपेमेंट करना होगा, ओके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो जन समर्थ पोर्टल है, वो जन समर्थ पोर्टल का विजिट करके आप ये ऑनलाइन लोन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी सारी लोन्स है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस लोन है, आप ये मुद्रा लोन एज वेल एज ये लाइवलीहुड लोन, एजुकेशनल लोन, ओके, ये सारी की सारी जो लोन्स है वो यहाँ पे आप वो अप्लाई कर सकते हो, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं, गेट डिजिटल अप्रूव व्यू ऑफर्स फ्रॉम 200+ लेंडर्स एंड गेट डिजिटल अप्रूवल लोन सिलेक्टेड बैंक, ओके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप ये एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आप ये आपका लोन अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो सारी की सारी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, जो यानी आपको कुछ सवाल है तो यहाँ से वो सवाल के जवाब भी यहाँ पे दी गई है, तो फ्रेंड्स एक बार ये पढ़ लेंगे आप, और यहाँ से आसानी से आप लोन अप्लाई करिए और अवेल भी कीजिए, ओके।